चुनावी लंच ब्रेक में आज हम पहुंच गए हैं बरेली जी हाँ, और बरेली का ये मशहूर नॉवेल्टी चौराहा जिसके ठीक सामने दीनानाथ जी की मशहूर लस्सी मिलती है। तो चलिए अंदर चलते हैं चुनावी लंच ब्रेक में और जानते हैं कि इनकी ये लस्सी क्यों इतनी मशहूर है। आपका नाम क्या नाम है? रेखा। हाँ? रेखा जी। हाँ जी। तो ये स्टॉप ओवर जगह है बरेली जी। अब आगे कहाँ जाना है? आगे हमने रुद्रपुर जाना है मैम। रुद्रपुर जाना है जी। तो आपकी पूरी फैमिली आई हुई है, आपने दीनानाथ लस्सी के बारे में सुना था, आपने अभी तक छोले भटूरे इनके खाए, ये भी अच्छा है जी? बहुत ही अच्छा। तो छोले भटूरे खाने चाहिए, उसके बाद समोसा और फिर लस्सी। आपने सर क्या ऑर्डर किया? मैंने लस्सी पी ली है। लस्सी पी ली आपने। कुछ और लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं दीनानाथ जी की लस्सी के अलावा, इनके जो ये समोसा है वो काफी प्रचलित है और साथ ही छोले भटूरे। लेकिन लाइन से यहाँ पर दरअसल दुकानें हैं और एक एक करके हम आपको ये सारी दुकानें दिखाना चाहेंगे। लाला राम भरोसे लाल चाट भंडार, चलिए अंदर चलते हैं। आपका सर क्या नाम है? राम गोपाल कश्यप। राम गो, आप ही की दुकान है ये? हाँ। कितने साल से है ये दुकान? 65 इयर्स हो गए। 65 साल। तो 65 साल से बरेली को आप देख रहे हैं? हाँ? मतलब मैं तीसरी पीढ़ी बैठ रही है। पीढ़ी है लेकिन आपकी पैदाइश यही हुई होगी। हाँ। आपकी बरेली में ये जो मुख्य इलाका है यहाँ पर क्या बदला है पिछले साढ़े चार साल की बात कर ले? साढ़े चार नहीं, मतलब ये नबल्टी कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ, ये पहले सिनेमा था यहाँ पे, वो खत्म हो गया, वो तो बहुत काफी समय हो गया, 20 साल। अच्छा। से 20 इयर्स हो गए। उसी सिनेमा के नाम पे चौराहे का नाम? हाँ, ये नबल्टी चौराहे इसी नाम से है ये। आपके यहाँ क्या क्या फेमस है, क्या खाने का मिलता है? हमारे आलू की टिक्की फेमस है। आलू की टिक्की फेमस है, तो ज्यादातर लोग आलू की टिक्की खाते हैं जी। आलू की टिक्की लगा हुआ है पूरी लिस्ट, कचौड़ी छोले भटूरे, खस्ता कचौड़ी, छोले चावल, टिक्की छोले। ये बताइए कि बरेली के मुख्य मुद्दे क्या है? यहाँ पर सड़क व्यवस्था ठीक है? सड़क व्यवस्था तो कहीं भी सही नहीं है, यहाँ का सही होगा? यहाँ भी नहीं सही है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम खैर कम हो गई जब से ये यहाँ पे ड्यूटी रहती है, लोगों की तब से कम हुई है। बिजली आती है 24 घंटे? हाँ, लाइट सी आती है। पहले प्रॉब्लम थी, अब नहीं है इतनी प्रॉब्लम, पहले बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत प्रॉब्लम। सफाई भी होती है? सफाई भी पूरी है। सफाई से आप मतलब पूरी तरीके से? हाँ, सेटिस्फाई है, सफाई सही हो रही है, पहले नहीं होती थी, अब सही होती है। बरेली में विधायक कौन है? राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल किस पार्टी से? बीजेपी के हैं। तो उनका काम अभी तक यहाँ पर ठीक चल रहा है? ठीक करते हैं? अच्छा चल रहा है, सही है। आपको लगता है कि काम के आधार पर वोट मिल पाएगा उन्हें यहाँ अगर दोबारा खड़े होते हैं? और मैं तो वो तो खड़े नहीं होंगे, अब तो उनकी वो तो एजेड हो चुके हैं काफी, उनका बेटा हो सकता है खड़ा हो, उनका बेटा खड़ा हो सकता है जी। और एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर अपना दांव बेटे के जरिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे की दुकान में भी हैं और ये त्यागी जी का रेस्टोरेंट है। कहाँ से आए भाई साहब? बदायूं से। इनके यहाँ क्यों खाना खा रहे हैं त्यागी जी? बढ़िया लगती है। बढ़िया लगती है, कई बार खा चुके हैं मतलब। बरेली में क्या बढ़िया लगता है? बरेली में तो मैम ये है और आगे जो मिलता है बाजार और ये घूमते हैं। बाजार अच्छा लगता है, बरेली का बाजार। कई गानों में, कई पिक्चरों में बरेली का जिक्र आता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ है मैम। आप यहीं के हैं? जी, मैं यहाँ के 15 किलोमीटर दूर का हूँ। दूर रहते हैं पर यहाँ पर खाना खाने के लिए? खाना टेस्टी है, बढ़िया, इसलिए खाने और आते काम हैं। से आए होंगे जी। हाँ, बरेली में जब एंटर करते हैं तो सड़कें वड़के सब ठीक दिखती हैं? एकदम बढ़िया, बढ़िया शहर लगता है। बढ़िया शहर बरेली हमारा, सबसे बढ़िया शहर आसपास के, पूरा मंडल से बढ़िया शहर, मेन शहर बरेली है। अच्छा, आप भी साथ आएंगे? आपने क्या ऑर्डर करा है? खाने में क्या क्या है एक बार बता दीजिए। पूड़ी आए हैं और छोले हैं और आलू टमाटर, आलू की सब्जी है। हाँ, ये यहाँ का खाने में तो त्यागी की पूड़ियाँ बढ़िया है। यहीं आप बरेली के हैं? जी, बरेली का ही। एक बार बताइए बरेली में सब कुछ आपको, जाहिर आपका शहर है तो आपको अच्छा ही लगता होगा। हाँ, शहर अच्छा है। मेन प्रॉब्लम क्या है बरेली? मेन प्रॉब्लम सब कुछ सही है, अभी रोडों की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा काम चल रहा है, वरना इस वजह से है जी। आउटर बरेली में चल रहा है या अंदर? अभी तो सारी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय, सारी जगह थोड़े एक साल की प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अच्छा हो जाएगा ऐसा आपको लगता है? जी। यहाँ पर जो है विधायक जी बीजेपी के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका काम अच्छा लगता जी। आपको क्या लगता है इस बार जब चुनाव आएंगे तो वोट पार्टी के नाम पर पड़ेगा या फिर अगर बीजेपी ही आना है? कन्फर्म है आना ही है, लग नहीं रहा तो कन्फर्म है। पहले जब अखिलेश सरकार थी तब बरेली में काम हुआ था? वो मतलब टाइम के हिसाब से, पहले इनकम कम थी लोगों की, टैक्स लोग पे नहीं करते थे ज्यादा, जीएसटी नहीं देते थे लोग ज्यादा, पहले मतलब जीएसटी था ही नहीं,
अब लोग टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे ज्यादा पैसा है तो मार्केट में ज्यादा पैसा खर्च होगा। पहले लाइट नहीं आती थी ठीक, अब लाइट भी अच्छी आती है। मैं खुद इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। शिवानी जी, क्या पढ़ती हैं आप? जी हाँ, वोट है अभी आपका? इस साल बना है। पहली बार आप वोट डाले? जी हाँ। तो आप क्योंकि यंगस्टर हैं और पढ़ाई करती हैं, आपको लगता है बरेली में आगे जाके आपकी जॉब लग जाएगी आसानी से? एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। हाँ नहीं, बाहर जाना पड़ेगा। हाँ बाहर जाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो यही पढ़ाई करते हैं, उनको भी बाहर जाना पड़ता है अच्छे कॉलेज? देखिए, मेरे साल के जितने भी दोस्त मैंने देखे हैं वो सब बाहर ही गए हैं। बरेली में लगभग से एक या दो ही होगा जिनको मतलब जिनको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, या फिर जो घर से बहुत ही एम्प्लॉयड नहीं है, पैसे नहीं है। मतलब जितने भी अच्छे घर के लोग हैं वो बाहर ही जाते हैं। यहाँ पे कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, सही बताएं आपको। प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपसे बस पैसा लूटते हैं, सही बताएं। कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या है, काम चलाओ चल रहा है, आपको डिग्री मिल रही है, पढ़ाने आ रहे हैं, टीचर कभी नहीं आ रहे, क्लास लग रही है नहीं लग रही है, बस यही चीज़ है।